हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नांगल चौधरी में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई समाधान इन्हें नहीं मिल रहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 2 महीने से गंदा पानी आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खबर की गई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी है। ग्रामीणों ने बताया कि काफी दिनों से सप्लाई का पानी इतना खराब और बदबूदार आ रहा है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मामले की जानकारी जब सरपंच को दी गई तो सरपंच का अटपटा जवाब सुनकर ग्रामीण दंग रह गए। सरपंच का कहना है कि मैं लोगों के घर घर जाकर आरओ नहीं लगवा सकता। ये है पानी का सर, हम फौजी आदमी है, देखो छुट्टी मिलती है साल में 1-2 महीने, वो भी लॉकडाउन में नहीं मिल रही। बच्चों के पास जब भी हम कॉल करते हैं तो उनसे एक ही शिकायत मिलती है, आपकी पानी खराब आ रहा है, पिए कहाँ से, आरओ लगाओ, हर लाइन फूट रही है। पानी का ऐसा है ही नहीं कि पानी कहीं से लेके आ जाए, ना टंकी है ना ट्यूबवेल आस पास। इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मतलब पिए तो जहर है और उससे बीमार भी पड़ रहे हैं बच्चे, इतने ज़्यादा कि बेहद बच्चे बीमार हैं। ना गांव में हॉस्पिटल है जिसे अभी ठीक करा ले, ना पास में कोई ट्रीटमेंट है। इससे कि मेरा कहने का ये मतलब है कि सर, गांव का मेरा अकेले का समस्या नहीं, पूरे गांव की समस्या है। गंदा पानी, इतना सड़ा हुआ पानी आ रहा है जो कि आपको वीडियो भेज दी जाएगी, बहुत ही गंदा आ रहा है। तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए सर, और देखा जाए हमारी तरफ भी, आगे हम फौजी आदमी कम से कम दूर बॉर्डर पर रह के थोड़ा बहुत सोच सके इसके बारे में कि हमारे बच्चे शुद्ध पानी और अच्छा गाँव में व्यतीत कर रहे हैं। भाई 2 महीना से खराब पानी आप अगला करो सर, कालो किट पानी आप आ ना तो पी बाको सो दो, और ना कोई पशुओं ने प्राण को ना पीन को। 2 महीना सारो से जे एक ने फोन करे तो जे एक बरायो, कोई समाधान को नहीं हो। और अब भी वाह की बात समस्या चाहे 2 महीने से बड़ी दिक्कत आ रही है, और कोरोना वायरस में कहते हैं दूसरी जगह देबा खातर जहाँ को रिपोर्ट वपोर्ट देबा खातर जा नहीं सका, या भारी समस्या आ रही है कोई समाधान।